राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योडक की 9वीं कक्षा की छात्राओं श्रेया, सानिया और तनु के बनाए चित्र हुए डॉक्टर विजय चावला द्वारा तैयार वीडियो में हरियाणा एडुसेट पर लाइव। राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योडक में कार्यरत हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार चावला ने बताया कि उन्होंने कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण विषय पर कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल विकारी शब्द भाग 2 की वीडियो बनाकर हरियाणा में शिक्षा विभाग की इकाई राज्य शैक्षिक शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम को भेजी थी। राज्य शैक्षिक शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम के विषय विशेषज्ञ की टीम द्वारा उनके वीडियो का मूल्यांकन किया गया था। चावला ने बताया कि शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा बच्चों को घर बैठे बैठे ई लर्निंग हेतु हरियाणा एडुसेट चैनल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। यह सेवा निसंदेह प्रशंसनीय है। हरियाणा एडुसेट चैनल पर प्रतिदिन कक्षावार पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो लाइव प्रसारित होते हैं। इस कड़ी में कल उनके द्वारा कैसे तैयार करें कहानी का नाट्य रूपांतरण और विकारी शब्द भाग 2 का वीडियो पूरे हरियाणा के कक्षा 12वीं और 9वीं के बच्चों को लाइव दिखाया गया। उन्होंने बताया इससे पहले उनके 6 वीडियो एडुसेट पर लाइव हो चुके हैं और उनके द्वारा तैयार 4 डिजिटल ई कंटेंट दीक्षा पोर्टल पर भी लाइव हो चुके हैं। चावला ने अपनी सफलता के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार, राज्य शैक्षिक शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम के निदेशक डॉक्टर गोयल और वहां पर कार्यरत विषय विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश वशिष्ठ और तनु भारद्वाज का दिल से आभार प्रकट किया, जिनके मार्गदर्शन में यह सब संभव हो सका। हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते विद्यालय बंद है। बच्चों को घर पर पढ़ाई करवाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार तरह तरह के नए नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को घर पर ई कंटेंट मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा एजुसेट चैनल के माध्यम से प्रतिदिन बच्चों को कक्षावार विषयवार यूट्यूब लिंक के माध्यम से ई कंटेंट मुहैया करवाया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी बच्चों को डिजिटल ई कंटेंट मुहैया करवाने का अवसर प्रदान किया गया। मैंने कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण का वीडियो बनाया जो एजुसेट पर लाइव हुआ। इसी कड़ी में कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए भी हिंदी व्याकरण का विकारी शब्द भाग 1 और भाग 2 का वीडियो तैयार किया जो एजुसेट पर लाइव हुआ। हरियाणा से राकेश कथूरिया की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।